हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अनुराग लॉ क्लासेस। तो हम इंडियन एविडेंस का रिवीजन कर रहे थे और आज हम पार्ट टू पे आए हैं इंडियन एविडेंस के रिवीजन पे, और चैप्टर थर्ड से शुरू करेंगे। फैक्ट्स विच नीड नॉट टू बी प्रूव्ड, सेक्शन 56। फैक्ट्स जुडिशली नीड नॉट टू बी प्रूव्ड, इसमें दे रखा है कि जो भी कोर्ट जिस भी फैक्ट का जुडिशियल नोटिस ले लेगी उसे प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। सेक्शन 57। 57 में हमें दे रखा है फैक्ट्स ऑफ विच कोर्ट मस्ट टेक जुडिशियल नोटिस, के किन किन चीज़ों पे कोर्ट जुडिशियल नोटिस ले सकती है, कि ऑल लॉज, पब्लिक लॉज जो कि पार्लियामेंट द्वारा पास किए गए हैं, इंडियन आर्मी के जो भी आर्टिकल्स हैं इन सब पे ले सकती है। वैसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है। नेक्स्ट पढ़ते हैं सेक्शन 58। 58 में दे रखा है फैक्ट्स एडमिटेड नीड नॉट टू बी प्रूव्ड, इसमें है इसे कहते हैं हम जुडिशल एडमिशन। ठीक है, जुडिशल एडमिशन में क्या होता है कि जब इसमें दे रखा है कि जो भी फैक्ट होंगे, जो भी पार्टीज के द्वारा दिए गए फैक्ट होंगे, इसमें दे रखा है कि पार्टीज द्वारा जो फैक्ट दिए गए होंगे और जिन्होंने जो एडमिट कर लिया होगा हियरिंग के टाइम पे, उन्हें प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं 59 पे। ये हमारा चैप्टर 4 शुरू हो गया, ओरल एविडेंस। इसमें हमें बताया गया है ओरल एविडेंस हम किस किस तरीके से प्रूफ करवा सकते हैं। तो पहले तो है प्रूफ ऑफ फैक्ट्स ऑफ ओरल, प्रूफ ऑफ कंटेंट्स ऑफ ओरल डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस ही प्रूफ करे जाएंगे। अब 62 में दे रखा है, एक सेकेंड, 59। अच्छा, इसमें हमें दे रखा है कि 59 में हमें दे रखा है कि सारे फैक्ट प्रूव करे जाएंगे ओरल ओरल एविडेंस के द्वारा, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स और डॉक्यूमेंट्स। तो डॉक्यूमेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स छोड़ के सारे फैक्ट्स जितने भी होंगे वो ओरल एविडेंस द्वारा प्रूव किए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब हम आगे देखते हैं। ओरल ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट, इसे हियर से एविडेंस भी कहते हैं। ठीक है, इसमें हमें दे रखा है ओरल एविडेंस मस्ट इन ऑल केसेस बी डायरेक्ट, के साथ ओरल एविडेंस जो भी होंगे वो डायरेक्ट होंगे, बी डायरेक्ट। इट रेफर्ड का, अच्छा इसमें दे रखा है कि अगर किसी ने देखा तो उस विटनेस को बुलाया जाएगा जिसने वो चीज़ देखी थी, किसी ने कोई चीज़ सुनी तो वो उसे बुलाया जाएगा जिसने वो चीज़ सुनी थी, और उसके बारे में आके वो ओरल एविडेंस देगा, या फिर किसी और तरीके द्वारा परसीव की गई थी, या फिर किसी और अदर सेंसेस द्वारा या किसी और मैनर में वो परसीव करी गई थी तो उसे बुलाया जाएगा जिसने वो परसीव करी थी। और इसमें अगर कोई पर्सन ग्राउंड्स है या फिर कोई ओपिनियन रखता है किसी चीज़ के बारे में तो उसे बुलाया जाएगा जो उस चीज़ के बारे में ओपिनियन रखता है। ठीक है, सेक्शन 60 हो गया। अब आगे चलते हैं सेक्शन 61, इसमें हेयर से बताया था मैंने। 61 है प्रूफ ऑफ कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो डॉक्यूमेंट्स के जो कंटेंट्स, अभी हमने ओरल एविडेंस पढ़े थे कि ओरल एविडेंस हमें कैसे प्रूफ करने होंगे, और अब हम पढ़ेंगे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो है प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस द्वारा प्रूफ किए जाएंगे। 62 में हमें प्राइमरी दे रखा है, 62 में हमें प्राइमरी एविडेंस दे रखा है कि प्राइमरी एविडेंस कौन कौन से होंगे। तो प्राइमरी एविडेंस वो होंगे जो डॉक्यूमेंट होगा इट्सेल्फ प्रोड्यूस फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ कोर्ट, के जो मेन एविडेंस, जो मेन डॉक्यूमेंट होता है उसे हम कहेंगे प्राइमरी एविडेंस। इसका एक्सप्लेनेशन वन है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट सेवरल पार्ट्स में एग्जीक्यूट किया गया है, ठीक है, तो उसका हर एक ईच पार्ट जो होगा वो प्राइमरी एविडेंस मान प्राइवेट प्राइमरी एविडेंस ऑफ डॉक्यूमेंट माना जाएगा। और इसके जो आगे दे रखा है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट ईच काउंटर पार्ट में अगर दे रखा है तो उसका जो काउंटर पार्ट होंगे वो भी प्राइमरी एविडेंस में माने जाएंगे। ठीक है, काउंटर पार्ट जैसे कि जैसे रेस्टोरेंट में जाके खाना खाते हैं, या पेट्रोल पंप पे जब पेट्रोल डलवाते हैं और मशीन में स्वाइप करते हैं तो दो पर्ची निकलती हैं, एक हम रख लेते हैं, एक पेट्रोल पंप वाला रख लेता है, तो एक काउंटर पार्ट हमारे पास आ जाता है और एक काउंटर पार्ट उसके पास चला जाता है। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन 2 है,
कहाँ गया 62 कहाँ गया। इसका एक्सप्लेनेशन 2 दा में दे रखा है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट बनाया गया है एक यूनिफॉर्म प्रोसेस द्वारा, ठीक है, तो उस डॉक्यूमेंट के जो जितने भी कंटेंट्स होंगे वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की तरह हम यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। ओरिजिनल नॉट अ प्राइमरी एविडेंस अगर कि उसे यूनिफॉर्म प्रोसेस के द्वारा बनाया गया, प्रिंटिंग, लिथोग्राफी या फोटोग्राफी कोई भी हो सकता है वो, तो उसके हम अंदर के कंटेंट्स तो प्रूव कर सकते हैं मगर उसे होल में उसे प्राइमरी एविडेंस नहीं माना जाएगा। इसमें हमारा ये इलस्ट्रेशन बहुत काम का है। इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं। अ पर्सन इज शोन टू हैव पोजेशन ऑफ अ नंबर ऑफ प्ले कार्ड्स, के उसके पास प्ले कार्ड्स हैंगे कुछ कुछ नंबर्स, ऑल प्रिंटेड एट फ्रॉम वन ओरिजिनल, तो एक ओरिजिनल से वो सारे प्रिंट किए गए हैं। एनी वन ऑफ प्ले कार्ड इज़ प्राइमरी एविडेंस, तो जो भी प्ले कार्ड होंगे वो प्राइमरी एविडेंस होंगे। एज टू कंटेंट्स ऑफ एनी अदर, के उसके कंटेंट्स के बारे में तो वो होंगे कि उसके अंदर क्या है, क्या चित्र बन रहा है उस प्ले कार्ड के अंदर, मगर वो सारे के सारे मिलके प्राइमरी एविडेंस उसे ओरिजिनल कंटेंट के प्राइमरी एविडेंस नहीं मान सकते, ठीक है। सेक्शन 63 में हमें दे रखा है सेकेंडरी एविडेंस। इसमें दे रखा है कि सेकेंडरी एविडेंस मीन्स एंड इंक्लूड्स, सेकेंडरी एविडेंस मीन्स एंड इंक्लूड्स क्या क्या, सर्टिफाइड कॉपीज होंगी जितनी भी वो होंगी सेकेंडरी एविडेंस। सेकेंडरी एविडेंस मान लो फोटो कॉपी टाइप। सेकेंड में हमें बता ही रखा है, अच्छा सेकेंड में हमें बता रखा है कॉपीज मेड फ्रॉम ओरिजिनल बाय मैकेनिकल प्रोसेस, ठीक है। तो ये सारी कॉपीज भी सेकेंडरी एविडेंस होंगी, जैसे फोटो कॉपी, कॉपीज मेड और कंपेयर्ड विद ओरिजिनल, ठीक है, मेड फ्रॉम और कंपेयर्ड विद ओरिजिनल से ही वो कॉपी बनाई गई है। काउंटर पार्ट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, ओरल अकाउंट्स ऑफ कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स गिवन बाय सम पर्सन हु हैज हिमसेल्फ सीन इट, तो जो भी ओरल अकाउंट्स होंगे कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स के और जिसने वो ओरल अकाउंट्स देखे होंगे उनको भी सेकेंडरी एविडेंस में रखा गया है, ठीक है। आगे चलते हैं। सेक्शन 64 में प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट्स बाय प्राइमरी एविडेंस, तो 64 में जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो प्रूव करे जाएंगे प्राइमरी एविडेंस द्वारा, ठीक है। कि सबसे बेस्ट तो प्राइमरी ही होते हैं, पता ही है, जैसे कि हमें मेन जो कागज़ होता है वही प्राइमरी होता है, उसकी फोटो कॉपी तो कितनी भी ले आओ। तो इसमें बता रखा है कि डॉक्यूमेंट जो प्रूफ किए जाएंगे वो प्राइमरी एविडेंस द्वारा प्रूफ किए जाएंगे, और एक्सेप्शन इसका है 64 का। 65 में हमें दे रखा है कि किन किन केसेस में सेकेंडरी एविडेंस प्रूफ किए जाएंगे। तो इसमें अगर मान लो किसी के पोजेशन में या किसी के पावर में कोई डॉक्यूमेंट है वो ऑफ पर्सन अगेंस्ट होम द डॉक्यूमेंट इज सॉट टू बी प्रूव्ड, ठीक है, ऑफ एनी पर्सन आउट ऑफ रीच ऑफ कोर्ट, कोर्ट की रीच के बाहर है उसका उसका क्या कहते हैं सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं, और पर्सन लीगली बाउंड टू प्रोड्यूस इट, तो जो पर्सन है वो प्रोड्यूस है लीगली बाउंड सेकेंडरी एविडेंस देने के लिए, तो वो भी पर्सन दे सकता है, और अगर नहीं देता है तो 66 में जो नोटिस है उसको हम दे सकते हैं नोटिस में, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं इसका। अच्छा इसमें है एग्जिस्टेंस कंडीशन कंटेंट्स ऑफ ओरिजिनल, एग्जिस्टेंस कंडीशन कंटेंट्स ऑफ ओरिजिनल प्रूफ टू बी एडमिटेड इन राइटिंग पर्सन अगेंस्ट होम, तो उसके अगेंस्ट में भी जो कंटेंट्स हैं ओरिजिनल के और जिसने राइटिंग में एडमिट कर लिया है उसके किसी पर्सन ने और उसके रिप्रेजेंटेटिव इंटरेस्ट में, तो उसके हम सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं, मगर किसी आदमी ने अगर एडमिट कर लिया तो कोई बात ही नहीं। व्हेन द ओरिजिनल हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड और लॉस्ट, कि ओरिजिनल जो है डिस्ट्रॉय हो गया या लॉस्ट हो गया है, नॉट ईजली मूवेबल, के ईजली मूवेबल नहीं है। व्हेन द ओरिजिनल इज़ पब्लिक डॉक्यूमेंट, तो पब्लिक डॉक्यूमेंट है
उसके भी हम सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं। आगे चलते हैं। व्हेन द डॉक्यूमेंट इज ओरिजिनल ऑब्वियस सर्टिफाइड कॉपी इज परमिटेड, कि अगर किसी डॉक्यूमेंट की सर्टिफाइड कॉपी परमिट कर रखी है तो उस डॉक्यूमेंट का दे सकते हैं। व्हेन द न्यूमरस ओरिजिनल कंसिस्ट ऑफ न्यूमरल्स अकाउंट अदर डॉक्यूमेंट विच कैन नॉट कन्वीनियंटली बी एग्जामिन्ड इन कोर्ट, ठीक है, तो इसके भी हम कि कोई ओरिजिनल कंसिस्ट कोई ओरिजिनल है और उसमें बहुत सारे अकाउंट हैं, कोई अदर डॉक्यूमेंट है जो कि ईजिली कन्वीनियंटली कोर्ट में एग्जामिन नहीं किया जा सकता, तो उसके भी हम सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं, जिस जो कि होगा जनरल रिजल्ट, जो कि जनरल रिजल्ट होगा उसका, उसके बारे में हम सेकेंड होल ऑफ होल कलेक्शन, ये रहा जनरल रिजल्ट ऑफ होल कलेक्शन, तो उसके बारे में दे सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के बारे में बताया गया है 65A में, और 65A में बता रखा है कि जो भी देखना है वो 65B में देख लो। ठीक है, आगे चलते हैं 66 पे, रूल्स एज टू प्रोड्यूस नोटिस, ये आ गया। तो इसमें रूल्स दे रखे हैं, रूल्स एज टू नोटिस टू प्रोड्यूस सेकेंडरी एविडेंस ऑफ कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट रेफर्ड इन सेक्शन 65। अच्छा, तो जिसके पावर या पोजेशन में जो डॉक्यूमेंट होगा सिर्फ वही वो उसे उसके खिलाफ नोटिस दे सकते हैं, और इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं कह रखी। 67 कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसे छोड़ देते हैं। 68 भी कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, 69 थोड़ा इम्पोर्टेंट है। प्रूफ एज टू नो अटेस्टिंग विटनेस फाउंड, के कोई अगर विटनेस फाउंड नहीं हुआ है अटेस्टिंग विटनेस तो क्या किया जाए, तो इसमें एक अटेस्टिंग विटनेस तो मिनिमम उसकी सिग्नेचर लेंगे, और जो क्या कहते हैं जिसने जो डॉक्यूमेंट बनाया उसकी भी सिग्नेचर ली जाएगी, और एक मिनिमम एक अटेस्टिंग विटनेस की सिग्नेचर ली जाएगी। 70 में ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, 71 है कि अगर डिनाई कर देता है अटेस्टिंग अटेस्ट करने के लिए विटनेस डिनाई कर देता है तो क्या किया जाए, तो इसके बारे में दे रखा है कि अगर डिनाई कर देता है तो कोई और एविडेंस के द्वारा उसे इन एग्जीक्यूशन मे बी प्रूव्ड बाय अदर एविडेंस, कोई दूसरे एविडेंस द्वारा बाद में फिर उसे प्रूव किया जाएगा। ठीक है, 72 में आ जाते हैं। डॉक्यूमेंट नॉट रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड, कि डॉक्यूमेंट जो है लॉ ने कह रखा है कि उसे अटेस्ट नहीं करवाना है, अगर आपने अटेस्ट करवा दिया तो लॉ उसे वैसी मानेगा जैसे कि वो अनअटेस्टेड था। ठीक है, वैसे ही प्रूव्ड है एज इफ इट वाज अनअटेस्टेड। ठीक है, 73 में ज़्यादा कुछ बड़ी बात तो नहीं है, मगर इसमें केस का नाम याद करना है, काठी कालू का केस है, काठी कालू का केस है जो कि आर्टिकल 23 से रिलेटेड है और इस एविडेंस एक्ट के सेक्शन 27 से भी रिलेटेड है। ठीक है, 74 में ज़्यादा इम्पोर्टेंट, 73A ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अब आ जाते हैं 74 पे, पब्लिक डॉक्यूमेंट एंड प्राइवेट डॉक्यूमेंट। तो पब्लिक डॉक्यूमेंट कौन कौन होंगे, पब्लिक डॉक्यूमेंट वो होंगे जो कि किसी सॉवरेन अथॉरिटी द्वारा दिए गए हों, ऑफिशियल बॉडीज एंड ट्रिब्यूनल्स, पब्लिक ऑफिसर, लेजिस्लेटिव, जुडिशियल, एग्जीक्यूटिव, एनी पार्ट ऑफ कॉमनवेल्थ, तो इनके द्वारा, या फिर कोई पब्लिक रिकॉर्ड, तो इनके द्वारा जो भी डॉक्यूमेंट निकाले जाएंगे वो सारे पब्लिक डॉक्यूमेंट होंगे, और प्राइवेट डॉक्यूमेंट वो होंगे जो पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं होंगे। ठीक है, ऑल अदर डॉक्यूमेंट्स आर प्राइवेट। अब इसमें आता है सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट, इसमें 76 इसे कहते हैं ट्रू कॉपी। ठीक है, ट्रू कॉपी इसे कहते हैं, और इसमें है पब्लिक ऑफिसर हैविंग कस्टडी ऑफ अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, किसी पब्लिक ऑफिसर पे उसकी कस्टडी है पब्लिक डॉक्यूमेंट की, एनी पर्सन अ राइट टू इंस्पेक्ट, और किसी पर्सन के पास उस डॉक्यूमेंट पब्लिक डॉक्यूमेंट का राइट टू इंस्पेक्ट है। इसमें साथ साथ पढ़ते हैं, अंडरलाइन भी कर दूंगा मैं, एवरी पब्लिक ऑफिसर हैविंग कस्टडी ऑफ अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, की पब्लिक ऑफिसर के पास कस्टडी है पब्लिक डॉक्यूमेंट की, और दूसरे किसी पर्सन के पास
इंस्पेक्शन है, उस पब्लिक डॉक्यूमेंट को प्राइवेट पर्सन के पास राइट है इंस्पेक्शन करने का, तो ऑन डिमांड अ कॉपी ऑफ इट ऑन पेमेंट ऑफ लीगल फ़ी, तो वो पर्सन जो है लीगल फ़ी पे करके डिमांड कर सकता है उस पब्लिक डॉक्यूमेंट की, जिसे कि ट्रू कॉपी माना जाएगा, जिसे कि ट्रू कॉपी माना जाएगा, और उसके बाद जिसने वो सर्टिफाई किया है, ठीक है, जिसने वो सर्टिफाई किया है उस पे वो डेट डालेगा, जिस और वो ऑफिसर अपना नाम डालेगा, अपना ऑफिशियल टाइटल डालेगा, और फिर वो उसे सील करके उस जिस पर्सन ने वो सर्टिफाई कॉपी मांगी थी उसे दे देगा। ठीक है, ये बात थी 76 की। अब आते हैं 77 पे, क्या हो जाता है ये। अब आ जाते हैं 77 पे, प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट बाय प्रोडक्शन ऑफ सर्टिफाइड कॉपीज। तो सर्टिफाइड कॉपीज मे बी प्रोड्यूस्ड एज टू कंटेंट्स ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट, और वो जो सर्टिफाइड कॉपी होंगी वो ट्रू कॉपीज होंगी। इसमें बस यही दे रखा है 78 प्रूफ एज टू अदर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, ये कोई ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। बस इसमें जो सिक्स पॉइंट है इसका ये इम्पॉर्टेंट है, जो इसमें नोटरी होते हैं, नोटरी द्वारा जो अटेस्ट की जाती है वो सारी कॉपीज, वो जो नोटरी पब्लिक द्वारा अटेस्ट की जाती हैं वो सारी कॉपीज जेन्युइन मानी जाएंगी, उन्हें प्रूफ माना जाएगा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स का। ठीक है, इसमें जो दे रखा है नोटरी पब्लिक जो के द्वारा दी जाती हैं या फिर कुछ जज के द्वारा असाइन की जाती हैं उन्हें ओरिजिनल माना जाएगा। अभी आ जाता है प्रिजम्पशन, ये कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेक्शन तो है नहीं, बस इसमें ये देखना है कि किस में शैल प्रिजम्पशन है और किस में मे प्रिजम्पशन है, क्योंकि इसमें मे और शैल प्रिजम्पशन से ज़्यादातर क्वेश्चन बन जाते हैं। पहला, इसमें जेन्युइननेस ऑफ सर्टिफाइड कॉपीज़ के, इसमें कोर्ट शैल प्रज्यूम करेगी कि अगर कोई कॉपी सर्टिफाइड हैगी तो कोर्ट उसे शैल प्रज्यूम करेगी कि वो एविडेंस उसको एविडेंस एडमिसल एडमिसिबल कर सके। ठीक है, 79, 80 प्रिजम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस्ड एज रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस, तो रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस जो सच स्टेटमेंट कन्फेशन बाय एनी प्रिजनर अक्यूज्ड पर्सन अकॉर्डेंस विद लॉ साइन बाय जज और मजिस्ट्रेट कोर्ट शैल प्रज्यूम डॉक्यूमेंट इज जेन्युइन। तो कोई अक्यूज पर्सन द्वारा कोई कन्फेशन या फिर कोई प्रिजनर द्वारा कन्फेशन दिया गया होगा तो, और वो साइंड होगा जज और मजिस्ट्रेट द्वारा, तो कोर्ट उसे मानेगी कि ये जो जो कन्फेशन है ये कोर्ट ही मानेगी कि ये जो कन्फेशन है ये ट्रू है, उसे शैल प्रज्यूम करेगी। मगर ये शैल प्रजम्पशन रिबटेबल होता है, हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था मे प्रेजम्पशन, शैल प्रेजम्पशन और कंक्लूसिव प्रूफ। तो अगर आपने मेरी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे ज़रूर देखें और मेरा चैनल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, 81 में आ जाता है गैजेट न्यूज़पेपर, इनमें भी कोर्ट शैल प्रज्यूम करेगी। 81 में गैजेट इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, तो गैजेट इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी कोर्ट शैल प्रज्यूम करेगी। ठीक है, 82 में भी शैल प्रजम्पशन है, 83, 84, 85 में भी शैल प्रजम्पशन है। 84 थोड़ा इम्पॉर्टेंट नहीं है, मुझे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, मगर 83 में ये याद कर सकते हैं कि इसमें मैप्स के बारे में बता रखा है। 84 में भी, 84 में लॉ डिसीजन लॉ रिपोर्ट्स के बारे में बता रखा है। 85 में पावर ऑफ अटर्नी के बारे में बता रखा है कि प्रजम्पशन एज टू पावर ऑफ अटर्नी, इसमें कोर्ट शैल प्रज्यूम ऑथेंटिकेटेड बाय नोटरी पब्लिक कोर्ट जज, तो वो ऑथेंटिकेटेड होगा कोई कागज अगर किसी नोटरी पब्लिक या कोर्ट और जज ने उसे क्या कहते हैं अटेस्ट कराए तो वो ऑथेंटिकेटेड माना जाएगा। इसमें इलेक्ट्रॉनिक एग्रीमेंट्स, अच्छा इसमें दे रखा है 85 का नाम इम्पॉर्टेंट है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक एग्रीमेंट्स के बारे में दे रखा है और नेक्स्ट में दे रखा है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स के बारे में 85B में। ठीक है, और ये दोनों शैल प्रिजम्पशन है, और इसमें सर्टिफिकेट्स इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट्स के बारे में भी शैल प्रिजम्पशन है।
ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट तो है नहीं, बहुत कम पूछे जाते हैं इसमें क्वेश्चन, अगर पूछे जाते हैं तो। प्रिजम्पशन एज टू सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ फॉरेन जुडिशियल रिकॉर्ड्स 86। तो 86 में जो है हमें मे प्रिजम्पशन दे रखी है, इसमें है कि कोर्ट मे प्रज्यूम प्रपर्टिंग टू बी अ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ एनी जुडिशियल रिकॉर्ड ऑफ एनी कंट्री नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ इंडिया ऑफ हर मैजेस्टी डोमिनेंस। तो जो भी यूके, तो जो भी यूके और इंडिया की सर्टिफाइड कॉपीज नहीं होंगी उन्हें कोर्ट में प्रज्यूम करेगी, शैल प्रज्यूम नहीं करेगी। नेक्स्ट आते हैं बुक मैप्स एंड चार्ट्स 87 में। तो इसमें बुक मैप्स कोर्ट में प्रज्यूम एनी बुक इंफॉर्मेशन ऑन मैटर ऑफ पब्लिक और एजेंट पब्लिक और जनरल इंटरेस्ट मैप और चार्ट स्टेटमेंट ऑफ विच आर रेलिवेंट फैक्ट विच इट प्रपर्स टू हैव बीन रिटन और पब्लिश्ड। तो इसे कोर्ट में प्रज्यूम करेगी कि रिटन और पब्लिश्ड की गई है, ठीक है। टेलीग्राफिक मैसेज में प्रज्यूम करे जाएंगे, टेलीग्राफ इलेक्ट्रॉनिक मैसेज में प्रज्यूम किए जाएंगे। 90 तक इसमें ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट है नहीं। 89 में प्रिजम्पशन एज टू ड्यू एग्जीक्यूशन, इसे शैल प्रिजम्पशन माना गया है। कोर्ट शैल प्रज्यूम एवरी डॉक्यूमेंट नॉट प्रोड्यूस्ड आफ्टर नोटिस प्रोड्यूस वाज अटेस्टेड स्टाम्प्ड एंड एग्जीक्यूटेड इन मैनर रिक्वायर्ड बाय लॉ। कि कोई भी डॉक्यूमेंट जो है उसे प्रोड्यूस अटेस्ट और स्टाम्प पर एग्जीक्यूट किया गया है मैनर प्रोवाइडेड बाय लॉ, तो उसे कोर्ट मानेगी। और अगर इस द्वारा नहीं किया गया कोई डॉक्यूमेंट तो उसे कोर्ट नहीं मानेगी। नाइन्टी इम्पॉर्टेंट है, इसका नाम 30 years old है। इसमें अगर कोई डॉक्यूमेंट 30 साल पुराना है तो कोर्ट उसे में प्रज्यूम करेगी कि जिस इंसान ने डॉक्यूमेंट बनाया है ये उसी इंसान द्वारा अटेस्टेड किया गया है। और 90A में हमें दे रखा है प्रिजम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट ऑफ 5 years इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स एज टू 5 years। तो इसमें 5 साल पुराना अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट अटेस्ट किया गया है किसी पर्सन द्वारा तो माना जाएगा कि वो डॉक्यूमेंट उसी पर्सन द्वारा अटेस्ट किया गया और वो 5 साल पुराना है अगर तो, ठीक है। आगे चलते हैं सेक्शन 91 पे। 91 क्या कहता है कि एविडेंस ऑफ टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ग्रांट्स एंड अदर डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी रिड्यूस टू फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट। कि जो भी इसमें जो भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी होगी या ग्रांट होंगे उन्हें रिड्यूस कर दिया जाएगा, रिड्यूस किया जाएगा इन फॉर्म ऑफ अ डॉक्यूमेंट, एक डॉक्यूमेंट में इसे रिड्यूस कर दिया जाएगा। रिक्वायर्ड बाय लॉ, जो कि लॉ द्वारा रिक्वायर्ड होगा, रिड्यूस टू द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट। तो अगर क्या कहते हैं किसी आपने ग्रांट किसी भी कॉन्ट्रैक्ट या किसी भी डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी को अगर क्या कहते हैं आपने डॉक्यूमेंट में रिड्यूस कर दिया है और डॉक्यूमेंट में रिड्यूस करने के बाद उसका कोई भी एविडेंस बाद में कोर्ट नहीं मांगेगी, उसका कोई एविडेंस देने की ज़रूरत नहीं है। इसमें पहला एक्सेप्शन है कि अगर कोई पब्लिक ऑफिसर है जिसकी अपॉइंटमेंट की गई थी और वो अपॉइंटमेंट राइटिंग में की गई थी और उस पर्टिकुलर पर्सन ने राइटिंग में वो अपॉइंटमेंट करी है, उस पर्टिकुलर ऑफिसर ने वो ड्यूटी अपनी निभाई है उस जगह पे जाके, तो उसको अपॉइंटमेंट की जो राइटिंग है वो प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा है कि कोई विल है तो प्रोबेट द्वारा प्रूव की जाएगी, ठीक है। अब इसमें आगे चलते हैं 92 पे, सेक्शन नंबर 92 किधर है, अच्छा इसमें ओरल एग्रीमेंट के द्वारा बताया गया है। हैव बीन प्रूव्ड अकॉर्डिंग टू लास्ट सेक्शन। तो जो भी ग्रांट डिस्पोजिशन और प्रॉपर्टी है इसमें क्या कहते हैं मैं इसमें जो भी ग्रांट डिस्पोजिशन या फिर कॉन्ट्रैक्ट है वो प्रूव कर दिए गए हैं ऊपर के द्वारा, जैसे ऊपर हमें प्रूव किए गए थे, जैसे ऊपर हमें बताया गया था हमने उस तरीके से प्रूव कर दिए, तो उसके बाद कोई भी एविडेंस उसके लिए नहीं लिया जाएगा, ठीक है। उसके लिए कोई भी एविडेंस एडमिट नहीं किया जाएगा। इसमें छोटी सी बात कही है। 93 में आ जाते हैं एम्बिगस डॉक्यूमेंट में, ये रहा।
तो इसमें बताया गया 93 में हमें कि अगर कोई भी डॉक्यूमेंट की लैंग्वेज यूज़ की गई है, लैंग्वेज यूज्ड इन अ डॉक्यूमेंट इज़ एम्बिगुअस और डिफेक्टिव, तो जो भी एविडेंस में, जो भी डॉक्यूमेंट में एविडेंस, जो भी डॉक्यूमेंट में लैंग्वेज यूज़ की गई है वो एम्बिगुअस है या डिफेक्टिव है, तो उसके लिए एविडेंस नहीं दिया जाएगा। ठीक है, 94 में आ जाते हैं, एविडेंस ऑफ एक्सकल्शन ऑफ एविडेंस अगेंस्ट एप्लीकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट टू एग्जिस्टिंग फैक्ट्स। तो इसमें दे रखा है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट में लैंग्वेज जो यूज़ की गई है वो प्लेन है और उसका मतलब समझ में आ रहा है, ठीक है, तो उसका एविडेंस नहीं दिया जाएगा उसके बारे में। 95 में हमें बता रखा है कि अगर कोई अनमीनिंग बात है, जैसे कि कोई डॉक्यूमेंट में लैंग्वेज तो सिंपल यूज़ की गई है मगर वो कुछ समझ नहीं आ रही कि कहना क्या चाहते हैं वो, तो एग्जिस्टिंग फैक्ट्स के लिए एविडेंस दिया जाएगा कि वो कहना क्या चाहते हैं, पेक्यूलियर सेंस जो है उसका क्या है। ठीक है, 96 में आते हैं कि एविडेंस एज टू एप्लीकेशन ऑफ लैंग्वेज टू एज वन ऑफ टू सेट्स ऑफ फैक्ट्स नाइदर ऑफ विच द होल करेक्ट अप्लाइज। तो इसमें दे रखा है कि अप्लाई टू वन लैंग्वेज यूज्ड, अप्लाई टू वन कुड नॉट हैव बीन मेंट टू अप्लाई टू मोर देन वन, सेवरल पर्सन और थिंग्स, एविडेंस मे बी गिवन ऑफ फैक्ट विच ऑफ दोज पर्सन्स और थिंग्स इट वॉज इंटेंटेड टू अप्लाई। तो इसमें, अच्छा इसमें तो एक ही इलस्ट्रेशन दे रखा है, इसमें बता रखा है कि अगर कोई बात है, कि अगर कोई बात दे रखी है, नाइन्टी सेवन, तो अगर इसमें हमें बता रखा है कि कोई एक, इसने बात कही, कोई बात एक ए है, कोई फैक्ट ए है और एक है फैक्ट बी, और ये फैक्ट दोनों अलग अलग हैं, मगर इसमें क्या कहते हैं, इसमें दे रखा है कि कोई अगर इन दोनों को साथ जोड़ा जाए और इन दोनों को साथ जोड़ के अगर एविडेंस दिया जाए, ठीक है, इन दोनों को साथ जोड़ के अगर कोई एविडेंस दिया जाए तो वो, एक सेकेंड, तो अगर इन्हें एक साथ जोड़ के एविडेंस दिया जाए तो इनको कोई मतलब नहीं बनेगा, कोई बात नहीं बनेगी, तो इन्हें अलग अलग ही दिया जाना चाहिए। ठीक है, 98 पे आ जाते हैं, इलिजिबल करे एलिजिबल करेक्टर, कि कोई अगर एलिजिबल करेक्टर दे रखे हैं जो कि टेक्निकल है या बहुत फॉरेन है, या फिर इसमें ये रहा कि कोई फॉरेन है, ऑब्सिलीट है, या टेक्निकल या लोकल प्रोवेंशियल एक्सप्रेशंस है या एब्रिविएशन है, तो उनके बारे में एविडेंस दे सकते हैं। ठीक है, 98, अब आगे चलते हैं, 99, 100 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, 99 है, हु मे गिव एविडेंस ऑफ एग्रीमेंट वेरिंग इन टर्म ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो कौन इसे 91, 92 और 99 के साथ मिलके पढ़ेंगे, इन तीनों को मतलब एक तीनों को एक साथ मिलके पढ़ा जाता है। तो पर्सन हु आर नॉट पार्टीज टू डॉक्यूमेंट और रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट गिव एविडेंस ऑफ फैक्ट टेंडिंग टू शो कंटेम्परस एग्रीमेंट। तो कंटेम्परस एग्रीमेंट अगर दिया जाएगा और पार्टीज के द्वारा नहीं होंगे वो, ये कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, छोड़ देते हैं। इसमें आता है बर्डन ऑफ प्रूफ, नेक्स्ट है हमारा चैप्टर पार्ट 3, प्रोडक्शन एज इफेक्ट ऑफ एविडेंस। ठीक है, बर्डन ऑफ प्रूफ, हुएवर डिजायर्स एनी कोर्ट टू गिव जजमेंट एज टू लीगल राइट और लाइबिलिटी डिपेंड ऑन द एग्जिस्टिंग फैक्ट्स विच ही हैज मस्ट प्रूव दैट दोज फैक्ट एग्जिस्ट। कि अगर कोई, मान लो अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास ये पेन है, अगर मान लो मैं कहता हूँ कि मेरे पास ये पेन है और ये पेन क्या कहते हैं, ये मेरा है, तो ये मुझे प्रूव करना पड़ेगा कि ये पेन मेरा है। ठीक है, इसे कहते हैं बर्डन ऑफ प्रूफ। ही डिजायर्स अ कोर्ट टू गिव जजमेंट दैट बी शैल बी पनिश्ड फॉर अ क्राइम,
ए ने कोर्ट से कहा कि बी के खिलाफ एक जजमेंट पास किया जाए जो कि बी ने जो ये क्राइम करा है, तो इसमें किसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ होगा, तो ए मस्ट प्रूव दैट बी हैज़ कमिटेड द क्राइम, कि ए को प्रूव करना पड़ेगा कि बी ने वो क्राइम किया है। अब आते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, जिसे हम कहते हैं ओनस ऑफ प्रूफ, ऑन हुम बर्डन ऑफ प्रूफ में लाए, ऑन हुम बर्डन ऑफ प्रूफ में लाए 102। इसमें है कि बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे लाया करता है, पहले तो ये समझ लेते हैं कि सिविल केसेस में तो प्लेंटिफ पे लाया करता है बर्डन ऑफ प्रूफ, और क्रिमिनल केसेस में करता है प्रोसिक्यूशन पे लाया करता है। तो अगर ठीक है, इसमें इसमें दे रखा है कि हु वुड फेल इफ नो एविडेंस एट ऑल वर गिवन नो ऑन आइदर साइड। तो अगर मान लो कि दोनों पार्टी हैं, दोनों पार्टीज में से प्रोसिक्यूशन और क्या कहते हैं प्लेंटिफ और डिफेंडेंट, है ना, सिविल केस में प्लेंटिफ और डिफेंडेंट, तो अगर दोनों में से कोई भी एविडेंस नहीं देगा तो प्लेंटिफ हार जाएगा केस। तो प्लेंटिफ के ऊपर सबूत का भार होगा, बर्डन ऑफ प्रूफ होगा कि उसे प्रूफ करे। ठीक है, ए सूज बी फॉर लैंड ऑन विच बी इज इन पोजेशन इन एंड विच ए एजर्ट्स वाज लेफ्ट टू ए बाय विल ऑफ सी बीज फादर। इफ नो एविडेंस वर गिवन ऑन आइदर साइड बी वुड एंटाइटल टू रिटेन इट्स पोजेशन, देयर फॉर बर्डन ऑफ प्रूफ में लाए ऑन ए। ठीक है, बहुत सिंपल सा था ये, तो आगे चलते हैं। 103, बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू पर्टिकुलर फैक्ट। तो अगर कोई पर्टिकुलर फैक्ट के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ होगा, तो जिस जो प्रूव करवा रहा है, जो कह रहा है कि ये पर्टिकुलर फैक्ट है, तो वो पर्टिकुलर फैक्ट जो कह रहा है वो उसे प्रूव करना पड़ेगा कि हाँ ये बर्डन कि उसके ऊपर होगा ये बर्डन ऑफ प्रूफ जो कह रहा है कि ये पर्टिकुलर फैक्ट है। ठीक है, 104 में आ जाते हैं, बर्डन ऑफ प्रूविंग फैक्ट टू बी प्रूव टू मेक एविडेंस एडमिसेबल। इसमें है कह रखा है कि प्रूविंग एनी फैक्ट नेसेसरी टू बी प्रूव्ड, कि कोई फैक्ट नेसेसरी टू बी प्रूव्ड एनेबल एनी पर्सन टू गिव एविडेंस ऑफ अदर फैक्ट ऑन द पर्सन हु विशेष टू गिव सच एविडेंस। तो जो भी कह रहा है कि ये फैक्ट हुआ था, जो भी पर्सन कह रहा है कि ये फैक्ट हुआ था, तो उस पर्सन को बताना पड़ेगा कि हाँ ये फैक्ट हुआ था। इसमें जैसे दे रखा है ए विशेष टू प्रूव आ डाइंग डिक्लेरेशन बाय बी, के बी के ए जो है प्रूव करना चाहता है कि बी द्वारा एक डाइंग डिक्लेरेशन हुई थी, तो उसे पहले बी की डेथ प्रूव करनी पड़ेगी। ठीक है, 105 में आ जाते हैं, बर्डन ऑफ प्रूविंग। अच्छा, इसमें जनरल एक्सेप्शंस जो हमें दे रखे हैं आईपीसी में पार्ट 4 में, उसके बारे में दे रखा है कि जो भी जिन जनरल एक्सेप्शंस को मानेगा मांगेगा कि इंसैनिटी का या इंटॉक्सिकेशन का या फिर बाउंड बाय लॉ जस्टिफाइड बाय लॉ, ये जितने भी एक्सेप्शंस है, एक्सीडेंट का, कि कोई कहेगा कि अगर जैसे मान लो कोई पर्सन है, ये कोई पर्सन है, वो कहता है कि मेरे से ये एक्सीडेंट हुआ है, मेरे से तो ये काम एक्सीडेंट द्वारा हुआ है, तो ए को प्रूव करना पड़ेगा कि हाँ उसे ये जो काम हुआ है वो एक्सीडेंट द्वारा हुआ है। ये हमें 105 बताता है। ठीक है, आगे चलते हैं, 106, बर्डन ऑफ प्रूविंग फैक्ट एक्सपेशली विद इन नॉलेज। इसमें एक मैक्सिम आता है, रेस इस्पा लॉकेटर व्हेन एनी फैक्ट एस्पेशली विद इन नॉलेज ऑफ एनी पर्सन फैक्ट प्रूविंग दैट फैक्ट इज अपॉन हिम, कि कोई फैक्ट है वो किसी पर्सन ए को ही पता है, कि इसी को ये फैक्ट पता है, तो ए को ही ये फैक्ट प्रूव करना पड़ेगा कि ये फैक्ट क्या है। ठीक है, इसमें अब 107 में आ जाते हैं, प्रिजम्पशन एज टू लाइफ और प्रिजम्पशन एज टू डेथ। 107 में वैसे हमें बता रखा है, 107, बर्डन ऑफ प्रूविंग डेथ ऑफ पर्सन नोन टू हैव बीन अलाइव विद इन 30 ईयर्स, कि अगर कोई पर्सन अलाइव है और उसने आपको 30 सालों में आपने उसे देखा है, तो आपको बर्डन एज टू प्रूविंग डेथ ऑफ पर्सन नोन टू हैव अलाइव विद इन 30 ईयर्स।
इसमें दे रखा है 107 में प्रिजम्पशन ऑफ लाइफ, और 108 में प्रिजम्पशन ऑफ डेथ। ठीक है, 107 में दे रखा है कि वेदर अ मैन इज अलाइव और डेड, ही वॉज अलाइव विद इन 30 ईयर्स प्रूविंग दैट ही इज डेड पर्सन हु अफर्म्स इट। तो जिसने भी जो वो पर्सन कह रहा है कि मैंने तो इस आदमी को 30 सालों के मैंने तो इस आदमी को देखा है जिंदा, ठीक है, और 30 सालों के भीतर अगर आपने उस आदमी को जिंदा देखा है तो कोर्ट उसे मानेगी कि वो जिंदा है। ठीक है, और अगर कोई कहता है कि ये आदमी डेड है तो जो आदमी कह रहा है कि ये आदमी डेड है उसे प्रूव करना होगा कि अगर कोई वेदर अ मैन अलाइव और डेड इट इज़ शोन दैट ही वॉज अलाइव विद इन 30 ईयर्स, तो उसे ये प्रूव करना पड़ेगा, तो उसे ये दिखाना पड़ेगा कि वो 30 साल में किसी भी आदमी से मिला है। और अगर जो भी बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट ही इज़ डेड और जो भी कह रहा है कि ये डेड है तो उस पर्सन को कन्फर्म तो उस पर्सन के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ होगा कि जो कह रहा है कि ये आदमी डेड है। 108 में प्रिजम्पशन एज टू डेथ है कि अगर आपने किसी भी आदमी को 7 साल से नहीं देखा है तो कोर्ट उसे प्रज्यूम करेगी कि ये आदमी डेड है। ठीक है, बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट ही इज अलाइव। तो अगर कोई कह रहा है, अगर आपने क्या कहते हैं किसी आदमी को 7 साल से नहीं देखा है तो हम तो सब उसे मान लेंगे कि ये तो डेड है, 7 साल से नहीं देखा है तो उसे डेड मान लेंगे, मगर कोई पर्सन कह रहा है कि ये आदमी जिंदा है तो उस आदमी को प्रूव करना पड़ेगा जो आदमी कह रहा है कि तो ये जिंदा है। ठीक है, 109 में आ जाते हैं, प्रिंसिपल एजेंट लैंडलॉर्ड। अच्छा, इसमें रिलेशनशिप की बात की गई है, रिलेशनशिप इसमें है कि 109 अरे कहाँ गए, एक सौ नौ में रिलेशनशिप की बात की गई है जो कहता है कि क्वेश्चन इज वेदर पर्सन्स आर पार्टनर लैंडलॉर्ड टीनेंट्स प्रिंसिपल एंड एजेंट्स। तो कोई क्वेश्चन है कि जो ये पर्सन है कि ये पार्टनर्स हैं लैंडलॉर्ड्स टीनेंट्स हैं क्या हैं एजेंट्स हैं या प्रिंसिपल्स हैं, तो उसके बारे में बर्डन ऑफ प्रूफ होगा कि जो इसके जो कह रहा है कि ये जो हमारी पार्टनरशिप थी, मान लो ए और बी पर्सन के बीच में पार्टनरशिप थी, ए और बी पर्सन के बीच में पार्टनरशिप थी या टीनेंट थे या लैंडलॉर्ड टीनेंट थे या प्रिंसिपल एजेंट थे, और बी पर्सन कहता है कि अब तो हमारी पार्टनरशिप ख़त्म हो गई है, बी पर्सन कह रहा है कि हमारी पार्टनरशिप ख़त्म हो गई है, तो बी के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ है कि वो प्रूव करे कि पार्टनरशिप ख़त्म हो गई है। 110 में आ जाते हैं ओनरशिप। तो ओनरशिप मान लो कि मेरे पास कोई पेन है, मेरे पास ये पेन है सुंदर सा, और ये पेन क्या कहते हैं मैं मेरे पास है 3 महीने से 4 महीने से 1 साल से ये पेन मेरे पास है, और कोई पर्सन कहता है कि ये पेन तो मेरा नहीं है उसका है, तो जो पर्सन कह रहा है कि ये पेन मेरा है उसे प्रूव करना पड़ेगा कि ये पेन उसका है ओनरशिप पे। 111 में आ जाते हैं कि ट्रांजैक्शन, गुड फेथ इन प्रूफ ऑफ गुड फेथ इन ट्रांजेक्शन वेयर वन पार्टी इन रिलेशन ऑफ एक्टिव कॉन्फिडेंस। तो जो पार्टी एक्टिव कॉन्फिडेंस में होगी उसे प्रूव करना पड़ उसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ होगा। इसमें है गुड फेथ, द गुड फेथ ऑफ अ सेल बाय क्लाइंट टू एन अटर्नी इट इज़ इन क्वेश्चन। तो जो एक्टिव कॉन्फिडेंस में जो पर्सन होगा उसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ होगा। ठीक है, सेक्शन नंबर 112 पे आ जाते हैं हम। 111 में तो एक्टिव कॉन्फिडेंस हो गया, 112 में है लेजिटिमेसी। तो प्रूफ ऑफ लेजिटिमेसी होगा वो कंक्लूसिव प्रूफ होगा, ये इम्पोर्टेंट सेक्शन है, इसे हम इम्पोर्टेंट लगा देते हैं क्योंकि ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। इसमें लेजिटिमेसी के बारे में बताया गया है, और इसमें बताया गया कि अगर 280 डेज के अंदर, अगर मान लीजिए ड्यूरिंग बर्थ ड्यूरिंग मैरिज कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ लेजिटिमेसी, इसमें बताया गया है कि अगर मैरिज के दौरान या फिर मैरिज के कंटिन्यूएंस में और मदर और या फिर किसी मैन के भीतर या मैरिज के डिसोल्यूशन के 280 डेज के भीतर अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो वो लेजिटिमेट सन या लेजिटिमेट चाइल्ड माना जाएगा। ठीक है।
प्रूफ ऑफ सीसेशन ऑफ टेरिटरी ये कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। 113A में इसकी डेट पूछी जाती है जो है 25 दिसंबर 1983, और डाउरी डेथ 113B, 113A और 113B। 113A में अबेटमेंट ऑफ सुसाइड बाय अ मैरिड वुमेन, तो जो भी मैरिड वुमेन का अबेटमेंट होगी जो भी क्या कहते हैं जो भी मैरिड वुमेन होगी वो 7 साल के भीतर अगर अपनी मैरिज के सुसाइड कर लेगी तो उसे मानक कोर्ट शैल प्रज्यूम के उसके हस्बैंड या उसके रिलेटिव ने उसकी डेथ या अबेटमेंट ऑफ सुसाइड किया होगा। और इसमें सेम आता है डाउरी डाउरी डेथ में कि अगर कोई वुमेन डाउरी डेथ से मर जाती है तो इसमें जो 304B में IPC में दे रखा है वही इसमें सेम मीनिंग है। और कोई अगर डाउरी डेथ से मर जाती है तो उसके हस्बैंड पे प्रूफ होगा, बर्डन ऑफ प्रूफ होगा कि उसने नहीं मारी है। कोर्ट में प्रेज्यूम एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टेन फैक्ट्स, 114 में है कि कोर्ट प्रेज्यूम एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्ट विच इज़ अनलाइकली टू बी हैपेंड, विच विच इट थिंग्स अनलाइकली टू बी हैपेंड बाय ह्यूमन कंडक्ट। तो अगर कोर्ट अगर मान लेती है कि ये फैक्ट तो हो ही नहीं सकता है तो कोर्ट उस फैक्ट को नहीं मानेगी, और जो इस फैक्ट को कह रहा है कि ये फैक्ट हुआ था उसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ होगा। ठीक है, अच्छा 114 ये इम्पॉर्टेंट है। इसमें दे रखा है कि अगर सेक्सुअल कंसेंट के अगर सेक्सुअल ऑफेंस किया गया और वुमेन ने कोई चिल्लाई नहीं कोई कुछ नहीं करा तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि उसने कंसेंट दे दी है, है? और अगर वो वुमेन कह देती है कि अगर अगर वुमेन ने कोर्ट के सामने आके कह दिया कि इंटरकोर्स के दौरान के जो इंटरकोर्स हुआ था वो उसके उसमें उसकी कंसेंट नहीं थी तो कोर्ट शैल प्रज्यूम करेगी कि उसकी कंसेंट नहीं थी। ठीक है, अब नेक्स्ट हम चैप्टर जो है चैप्टर 8 एस्टॉपल वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कराया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और एक लाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू।